बड़ी खबर आपको बता दें कि आज BJYM मंडल के कार्यकर्ताओं ने रजत बिच्चिम जीप में जम्मू कश्मीर जिला राजौरी तहसील धर्मशाला सिहोट मोड़ आज BJYM स्वाट मंडल के कार्यकर्ताओं ने रजत चिप जी की अध्यक्षता में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की सूची के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें सबका कहना था कि ये सूची योग्य युवाओं के खिलाफ एक साजिश है। इस सूची में घोटाला करके इसे बदला गया है। BJYM मंडल स्वाट के युवाओं के LG मनोज सिन्हा जी अपील करते हुए सूची के रद्द करने की मांग रखी है और इसकी जांच कर दोषियों को सजा देने की भी मांग रखी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर यह मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन आंदोलन में बदलेगा और युवा इसी तरह से सड़कों पर निकलने को प्रतिबंध रहेंगे। देखिए धर्मशाला से विकास शर्मा की रिपोर्ट। फायर ब्रिगेड हाय हाय युवाओं से धोखा नहीं चलेगा। क्यों आज प्रदर्शन आप कर रहे हैं? ये हमारा प्रदर्शन है, हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि ये जो फायर ब्रिगेड ने जो सूची निकाली है सिलेक्टेड बंदों की, छात्राओं की, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी, ये पूरी धोखा है, ये स्कैम है, ये फ्रॉड किया जा रहा है युवाओं के साथ। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण हो जाएगा। हम अपने लक्ष्मण के बंदों से विनती करते हैं और प्रशासन से विनती करते हैं कि इसके खिलाफ रोक बिठाई जाए और जो भी कल्पित है, जो भी गुनहगार हैं उनको उनके जल्दी से जल्दी उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। और अगर हमारी ये जो अपील है ये नहीं मानेगी तो हमारा ये प्रदर्शन आंदोलन में बदलेगा। और जैसे कि अरुण जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये आंदोलन सड़कों से लेके अदालत तक जाएगा, तो मैं यही विनती करता हूँ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई